नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों आज है 15 अगस्त 2020, यानी आज स्वतंत्रता का दिवस है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके आपके पास तिरंगा की करगिल कॉमिक्स को लेकर के आया हूँ, जो कि देशभक्ति बेस्ड स्टोरी है और ये काफी अच्छी स्टोरी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। इस कहानी की शुरुआत होती है तिरंगा की एक शायरी से। भारत की जमी से जालिमों को दूर करते रहो, हौसला तोड़कर उनको पीछे हटने को मजबूर करते रहो। हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर है तुम्हारे साथ, दुश्मन के नापाक इरादों को यूं ही चूर करते रहो। ये चित्रकथा समर्पित है करगिल और दराज क्षेत्र में तैनात देश के उन रणबांकुरों को, जो अपने साहस बुद्धि और कौशल से पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए हिमालय की तरह अडिग है। युद्ध क्षेत्र करगिल में परवान चढ़ने वाली इस कहानी की शुरुआत भारत के दिल्ली में घटी एक विस्फोटक घटना से हुई। एक जरूरी सूचना, तिहाड़ जेल से जेल तोड़कर चार कैदी भाग गए हैं, जिनके नाम विकास मोहन, साजिद खान, संजय कुमार और प्रीतम सिंह हैं। अच्छी तरह पहचान लीजिए इन चारों को। इनके बारे में जैसे ही कोई सूचना मिले तुरंत ही पुलिस को सूचित कीजिए, धन्यवाद। जेल से भागने वाले जिन चार अपराधियों की सूचना जारी की जा रही थी वे यहां मौजूद थे। विकास, तुम तो जेल में थे, फिर यहां कैसे? प्रताप सिंह, तो उसे ब्लैक फाइल हासिल करने के लिए मैं अपने इन तीन साथियों के साथ जेल तोड़कर भागा हूं। बोल गद्दार, कहां है वो ब्लैक फाइल? गद्दार? ब्लैक फाइल? ये तुम क्या कह रहे हो विकास? किसने की गद्दारी? जवाब में विकास नामक उस युवक का परचम गुस्सा उसके चेहरे से आ टकराया। धाड़ अब सराफत के चोले को पहनने रखने से कोई फायदा नहीं शैतान। जेल में मिले तेरे एक साथी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तभी मैं अपने साथियों के साथ जेल तोड़कर यहां। धड़ाक! उस ढाल ने उसके आगे के शब्दों को चीख में बदल दिया। जिसे उछाला था उस तिरंगे वस्त्रधारी ने, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो तुम चारों वही नौजवान हो जो कुछ ही घंटे पहले जेल से भागे थे। तुम्हारी खोज में तो मैं था ही, लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी मिल जाओगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, हम वही है तिरंगा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी हम एक दोषद्रोही को उसके कर्मों की उचित सजा दे सकेंगे। ओह, भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य प्रताप सिंह को देशद्रोही कहकर कुछ सजाए फक्ता मुजरिम अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं। कुर्बान जाओ इसी देशभक्ति पर। धड़ा! तिरंगा को उन नौजवानों से भिड़ा देख प्रताप सिंह वहां से जान छोड़कर भागा। वो भाग रहा है तिरंगा, हमें उसे रोकने दो। फिलहाल उसे नहीं, अपने चीखे रोकने की सोच बच्चे। धड़ाक! तिरंगा के इस बात के साथ ही विकास के एक साथी सरदार प्रीतम सिंह के सब्र का बांध टूट गया। हमें उसके पीछे जाना है तिरंगा, और तू हमें नहीं रोक पाएगा। धड़ाक! उफ, उस अप्रत्याशित वार ने तिरंगा को बाइक से निकलकर जमीन पर बिखरे पड़े पेट्रोल पे ले जा पटका। अब तिरंगा संभलता, उससे पहले ही एक कैदी ने अपने जेब से निकाल लिया लाइटर। अभी तू जलकर राख हो जाएगा। खट खट से लाइटर जला, लेकिन उसकी लौ पेट्रोल को छूकर तिरंगा को जला देती। उससे पहले ही विकास की ठोकर लाइटर पर पड़ी। नहीं संजय, विकास ये तूने क्या किया? जलाकर राख करने दे मुझे इसे। नहीं संजय, नहीं, जानता है किसको जलाने जा रहा है तू? तिरंगा को। हाँ संजय, उसका नाम ही तिरंगा नहीं है, बल्कि उसने अपने शरीर पर तिरंगा भी धारण कर रखा है। क्या तू अपने देश के सर्वोच्च सम्मान तिरंगा को जलाएगा? झुरझुरी दौड़ गई संजय के शरीर में। उफ, ये मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था? अब तक तिरंगा समझ चुका था, तुम्हारी बातों से ये समझ में आ गया कि तुम्हारे दिलों में कहीं ना कहीं देशभक्ति जिंदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर
प्रताप सिंह को देशद्रोही करार देकर तुम्हें उसके पीछे जाने दूं और उसकी हत्या करने का मौका दे दूं। उसे मैं खुद रोकूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इस लायक कर दूं कि तुम यहाँ से ना जा सको। अब हमें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर प्रताप सिंह हमारी पहुँच से दूर निकल गया है, और इसी के साथ हमारे हाथों से निकल गया है वो मौका जिसके लिए हम जेल से बाहर आए थे। किस मौके की बात कर रहे हो तुम? पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विकास मोहन है। कुछ दिन पहले मैं भारतीय इंटेलिजेंसी ब्यूरो का सदस्य हुआ करता था और कश्मीर के महत्वपूर्ण इलाके और बर्फीली चौकियों पर जासूसी करके अपने सीनियर प्रताप सिंह को पहुंचाया करता था, जिसे वो ब्लैक फाइल के नाम से संग्रहित करता था। अचानक मुझे हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया। मैंने लाख कहा कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, मगर कोई ना माना क्योंकि सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। मैं समझ गया कि यह सब किसी की साजिश थी, लेकिन मुझे किसने फंसाया था ये मैं ना जान सका। आज जेल में जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक एजेंट पहुंचा, तो उसी से मुझे पता चला कि मुझे प्रताप सिंह ने फंसाया था, जो असल में पाकिस्तानी एजेंट था। उसी से मुझे पता चला कि वो अत्यंत महत्वपूर्ण ब्लैक फाइल को दुश्मनों के हाथों सौंपने जा रहा है। बस ये सब सुनने के बाद मैंने जेल के अपने इन तीन देशभक्त साथियों के साथ जेल ब्रेक की और प्रताप सिंह को घेरने आ पहुंचा। हालात ने हमारे हाथों से जुर्म करवाकर हमें कानून का मुजरिम जरूर बना दिया है, लेकिन देश की रक्षा का पवित्र जज्बा आज भी हमारे दिलों में भड़क रहा है। इसलिए हमने विकास भाई का साथ दिया, और ये साथ देने के लिए अगर हमें सूली पर भी लटका दिया जाए तो हमें गम ना होगा। हम अपने किए की हर सजा भुगतने को तैयार हैं तिरंगा। पहले हमें प्रताप सिंह नामक उस गद्दार को रोक लेने दो, क्योंकि अगर वो ब्लैक फाइल को अपने पाकिस्तानी अकाउंट तक पहुंचाने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी बातों में अगर सच्चाई है, अगर प्रताप सिंह सचमुच देश का गद्दार है और उसके पास कोई ब्लैक फाइल है, तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मैं उसे पताल से भी खोज निकालूंगा, लेकिन मैं ये काम करूंगा तुम्हें जेल पहुंचाने के बाद। तिरंगा ने जो फ्लेयर छोड़ी, उसके जवाब में पुलिस तुरंत ही वहां पहुंची। पीयू पीयू, किसी ने गिरफ्तार होने में आनाकानी नहीं की, और इसी बात ने तिरंगा को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या विकास मोहन और उसके साथी सही हैं? क्या सचमुच हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का वरिष्ठ सदस्य प्रताप सिंह ब्लैक फाइल के रूप में पाकिस्तान को ऐसे गुप्त रहस्य देने वाला है जो कश्मीर समस्या को एक विकराल रूप प्रदान कर सकती है? तिरंगा को जो संशय था वो 24 घंटे के बाद ही समाप्त हो गया। कारगिल में घुसपैठियों द्वारा भीष्म गोलाबारी सेना ने 160 घुसपैठियों को मार गिराया। ओह, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भारी पैमाने पर की जा रही है ये घुसपैठ दर्शा रही है कि विकास मोहन का कहना सही था, प्रताप सिंह सचमुच ही देशद्रोही है। अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो शायद कारगिल में होने वाली लड़ाई को और भी ज़्यादा भयानक होने से बचाया जा सकता है, लेकिन अब शायद मैं अकेला उसे ना ढूंढ सकता। मुझे उसे ढूंढने के लिए मदद की आवश्यकता है और मेरी वो मदद कौन करेगा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कश्मीर, वो स्थान जिसके बारे में कहा जाता है कि धरती पर कहीं अगर स्वर्ग है तो यही है, लेकिन धरती की इस स्वर्ग की हालत आज नरक से भी बदतर है, और उसके लिए सिर्फ हमारा पड़ोसी देश ही नहीं, प्रताप सिंह जैसे अपने देश के ऐसे गद्दार भी हैं जो हमारे पड़ोसी देश के इशारों पर नाचकर और अपने जीवन में स्वर्ग में सुख भरकर देश को एक नरक की आग में झोंक देते हैं। लेकिन ऐसे देशद्रोही अपने दुष्कर्म को ज्यादा दिन जारी नहीं रख पाते, क्योंकि उनके पाप के घड़े को फोड़ने आ ही जाता है कोई देशभक्त। धड़ाक, कोशिश बचने की कर ले चाहे कोई हजार, बच नहीं सकता मगर देश का गद्दार। तिरंगा, तुम यहां कश्मीर में? सिर्फ तिरंगा ही नहीं, हम भी यहां हैं। विकास, तुम नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम तो जेल में थे,
लेकिन चूंकि तुम तक पहुंचने और तुम्हारे नापाक इरादों को नेस्तानाबूद करने के लिए विकास और उसके साथियों का सहयोग बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने गृह मंत्री से अनुरोध करके इन्हें अपने जिम्मेदारी पर जेल से रिहा कराया है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा प्रताप सिंह। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी हमारे सवालों का जवाब दे दो। बताओ हमें हमारे देश में कौन कौन से पाकिस्तानी एजेंट मौजूद हैं और ब्लैक फ्लैग कहाँ है। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब यहाँ नहीं दे सकता। जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ जहन्नुम चलना होगा। कड़ंच उसके मुंह के अंदर गुजी वो हल्की सी आवाज तिरंगा को सतर्क कानों से नहीं बच पाई। भागो यहां से। तिरंगा के पीछे जान छोड़कर भागे चारों। छपाक और ऐसा करके उन्होंने अपने आप को बचा लिया उस भीषण धमाके से जिसने उस आलिशान हाउस बोट के परखच्चे उड़ा दिए थे। बाम उफ, अगर हाउस बोट छोड़ने में हमने एक क्षण का सवा हिस्सा भी गवाया होता तो हम इस डल झील में इस समय हाउस बोट के साथ साथ हमारे शरीर के टुकड़े भी तैर रहे होते। लेकिन तुम्हें इसका आभास कैसे हो गया कि बम फटने वाला है? और ये बम था कहाँ? उसके दांतों पे तुमने ध्यान दिया होगा कि प्रताप सिंह के दो दांत नकली थे। असल में उन दांतों में दो छोटे मगर बेहद शक्तिशाली बम छिपे हुए थे जिन्हें वो ऐसे ही किसी समय के लिए रखे हुए था। मैंने जब उसके मुंह में दांतों के टूटने की आवाज सुनी तो मैं समझ गया कि वो क्या क्या चाहता है। तभी मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा। वहां से भागकर हमने अपनी जान तो बचा ली लेकिन उस गद्दार प्रताप सिंह को नहीं बचा पाए। काश हम उससे ब्लैक फाइल हासिल कर पाते। मेरे ख्याल से ब्लैक फाइल शिकारे में ही कहीं थी जो उसी के साथ खत्म हो गई। अगर सचमुच ऐसा ही हुआ है तो ये हमारे देश के लिए अच्छा ही है। एक मिनट, कारगिल दरार और बटालिक सेक्टर में घमासान लड़ाई, घुसपैठियों द्वारा कई भारतीय चौकियों पर कब्जा कर दिया गया है। रेडियो में प्रसारित होते समाचार ने सिर्फ तिरंगा का ही नहीं सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। घुसपैठियों द्वारा चौकियों पर कब्जा करने के लिए किया गया यह हमला इतना अधिक सुनियोजित था कि भारतीय सेना कुछ न कर सकी। ऑपरेशन विजय से जुड़े भारतीय सैनिक अधिकारियों का कहना है कि घुसपैठियों ने ये कार्रवाई पाकिस्तानी सेना की मदद से की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारतीय चौकियों को घुसपैठियों से शीघ्र मुक्त करा लिया जाएगा। इस बीच खबर मिली है कि भारतीय वायुसेना के एक विमान को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है और उसके पायलट लेफ्टिनेंट अनिकेता को बंदी बना लेने का दावा किया है। कारगिल में जो युद्ध की आंधी चली थी उसने तो तूफान का रूप ले लिया है और ये सब हुआ है उस ब्लैक फाइल के कारण। मतलब एक ही रात में कई भारतीय चौकियों पर घुसपैठियों का कब्जा हो जाना साफ दर्शा रहा है कि ऐसा संयोग से नहीं हुआ। उसमें निश्चय ही घुसपैठियों ने उस ब्लैक फाइल की मदद ली है जिसमें प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी हुई थी कि कारगिल दरार और बटालिक क्षेत्र में कब कैसे और कौन सी चौकी पर कब्जा किया जा सकता है। ओह, इसका मतलब ब्लैक फाइल प्रताप सिंह के साथ ही खत्म नहीं हो गई बल्कि वो उन हाथों में पहुंच गई है जहां उसे पहुंचना था। बिल्कुल यही बात है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उस ब्लैक फाइल की जानकारियों के बल पर पाकिस्तान समर्थित घुसपैठिए भारत के बहुत बड़े हिस्से पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक बातें बता रहे हो तुम। बात सचमुच खतरनाक है तिरंगा, लेकिन सच्चाई यही है। अगर ऐसा है तो हमें इस सच्चाई का मुंह तोड़ना होगा और उसके लिए मुझे भारतीय सैन्य अधिकारियों से बात करनी होगी। अब तक हमारी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। जब तक हमारी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती तब तक मैं तुम्हें किसी के सामने नहीं ले जा सकता। लेकिन क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा सकता हूँ? वक्त ने हमें सजाए फक्ता मुजरिम जरूर बना दिया है तिरंगा, लेकिन हमारे शरीर का अंग अंग देशभक्त है। और फिर जानते हो हमें जेल से निकालकर किसने हम पर विश्वास किया है? तिरंगा ने। उस तिरंगा ने जिसका हर रंग ये संदेश देता है कि कुछ भी करो, कैसे भी जियो, मगर जब देश संकट में हो तो देश के लिए जान भी न्योछावर कर दो। साजिद भाई सही कह रहे हैं तिरंगा।
काट कर मिला मिला लो हमारे खून को अपने खून से। अगर इसमें तुमसे ज्यादा देशभक्त के जीवाणु ना मिले तो कहना शाबाश दोस्तों, इस देश को तुम जैसे देशभक्तों की ही जरूरत है। जल्द ही जम्मू कश्मीर के मिलिट्री हेडक्वार्टर में समाचारों से जो तुम जान रहे हो सीमा पर स्थिति उससे कहीं ज्यादा भयानक है। ऐसे में तुम्हारा सीमा पर या सीमा से आगे पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करना सीधे मौत के मुंह में छलांग लगाने के समान है और मैं तुम्हें ये छलांग लगाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। कृपया समझने की कोशिश कीजिए सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घुसपैठिए घोषित किए जाने के डर से सीमा पार जाकर जो काम भारतीय सेना के जवान अंजाम नहीं दे सकते उसे मैं और मेरे साथी कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें करगिल सीमा के उस पार पाक अधिकृत कश्मीर में जाने की इजाजत दें। मैं सब समझ रहा हूं तिरंगा, लेकिन तुम नहीं समझ रहे, ये सेना का काम है, इसे सेना को ही निपटने दो, वापस लौट जाओ। ठीक है सर, अगर आप वापस लौटने को कहते हैं तो मैं अपने साथियों के साथ वापस लौट जाता हूं, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, देश की रक्षा का काम सिर्फ सेना का ही नहीं होता, ये काम देश के हर नागरिक का होता है, देश के एक एक बच्चे का काम होता है, देश को बचाना, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके शत्रु के दांत खट्टे कर देना, क्योंकि अगर सेना ही करती देश की रक्षा के काम तो भला कौन जानता गांधी चंद्रशेखर भगत के नाम। अपने सीने में धधकते जज्बात को व्यक्त करके तिरंगा ने जैसे ही चलना चाहा, वैसे ही उस अधिकारी ने उसे रोक लिया। रुको तिरंगा, तुम शायद सही कह रहे हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को देश की रक्षा करने का मौका देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। उस अधिकारी का धन्यवाद व्यक्त करते तिरंगा की आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वो निश्चय ही खुशी के आंसू थे, और खुशी के आंसुओं से भला आंखें भरती भी क्यों ना, देश की रक्षा हेतु दुश्मन के दांत खट्टे करने का सौभाग्य जो हासिल हुआ था उसे। यह विशेष हेलीकॉप्टर तुम्हें सीमा के उस पार पहुंचा देगा, वहां पहुंचकर तुम्हें घुसपैठियों को खत्म करने के साथ साथ एक और काम करना है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिकेता को वापस लाना है तुम्हें। उसके द्वारा मिले अंतिम संदेश के अनुसार सीमा पार कहीं मौजूद घुसपैठियों की मुख्य चौकी पर उसे कैद करके रखा गया है। कर सकोगे ये काम? हाँ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं सर कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिकेता भी वापस आएगा और घुसपैठिए भी खत्म होंगे। तिरंगा के चेहरे पर मौजूद दृढ़ता बता रही थी कि जो उसने कहा था उसे करने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ था, लेकिन सब करना इतना आसान कहां था। हम इस समय अपनी सीमा को क्रॉस करके पाकिस्तानी सीमा में पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन इसके आगे हेलीकॉप्टर ले जाना खतरनाक है, क्योंकि कॉप्टर पाक सैनिकों की निगाहों में आ सकता है, हमें यही उतरना होगा। रेडी? तुरंत ही। सभी को उतारने के बाद हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। इस पहाड़ी के कुछ ही दूर पाक अधिकृत कश्मीर का एक गांव रकाबा है। कारगिल दरास और वटालिक क्षेत्र में घुसपैठ करने वाला मुख्य रास्ता उसी गांव के पास से गुजरता है। हमें उस गांव में पहुंचना होगा, लेकिन उसके लिए हमें सतर्क पाक रक्षकों की आंखों में धूल झोंकनी होगी। हाँ, और ऐसा कैसे होगा ये मुझे मालूम है। आओ, सबको अपने साथ लेकर विकास उस स्थान पर पहुंचा। ये तो कोई गुफा लगती है, लेकिन ये तो आगे से बंद है, यहां से देखने से ऐसे ही लगती है, लेकिन इसमें रास्ता है जो इस पत्थर को खिसकाने से नजर आता है। विकास मोहन के एक पत्थर के हटाने के साथ ही वहां एक ऐसा संकरा क्षेत्र नजर आने लगा जिसमें से निकलकर वे पहाड़ियों से घिरे एक रास्ते पर आ पहुंचे थे। ग्रेट, ये वो रास्ता है जिसे ना पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस जानती है और ना सेना। ये रास्ता इतना ही गुप्त है तो तुम कैसे जानते हो इसे? जवाब में मुस्कान खेल गई विकास मोहन के होठों पर।
इस रास्ते के दोनों तरफ की पहाड़ी पहाड़ी की दीवारों को ध्यान से देखोगे तो अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें तो इन पहाड़ी दीवारों पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है लकड़ी के कोयले से किसी बालक द्वारा पहाड़ी दीवार पर उकेरे गए कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं और कुछ शरारती चित्र। और जिस बालक ने यह सब किया है वो शायद तुम हो। सही पकड़ा तुमने तिरंगा। सचमुच वो बालक मैं ही हूं जिसका जन्म रकाबा में ही हुआ था, जिसका बचपन इन पहाड़ियों को अपने नन्हे कदमों से रोनते हुए गुजरा था। लेकिन पाक सेना ने हमला करके इस इलाके के साथ साथ रकाबा गांव को भी अपने कब्जे में लेकर गांव वासियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों के इन जुल्म सितमों ने मेरे परिवार को रकाबा छोड़कर भाग जाने को लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जिस तरह पहाड़ी इलाके और रकाबा गांव की एक एक याद मेरे मस्तिष्क में सुरक्षित है, उसी तरह उम्मीद है रकाबा और उसमें रहने वाले लोग भी मुझे नहीं भूले होंगे। सचमुच कोई नहीं भूला था उसे। बिक्की, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ बिक्की, और तेरे साथ ये कौन है? सरपंच ताया जी? विकास ने सभी से तिरंगा और अन्यों का परिचय कराया। और फिर इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में। तो मिलते हैं इसके पार्ट टू में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और थोड़ा सा मैं बहुत देर से एक और कॉमिक्स इसके पहले पढ़ा तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कठिनाई महसूस हुई पढ़ने में, और इसके अक्षर भी काफी छोटे छोटे हैं, तो प्लीज मैनेज कर लेना। और मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी मेरे आसपास रहती है। ओके।